कल जो एग्जिट पोल आया, अब उसकी भी बात कर लेते हैं, जिसमें बार बार कह रहा हूं बीजेपी की सुनामी आ रही है। एग्जिट पोल में कल से एग्जिट पोल को लेकर जो बयानबाजी चल रही है, पहले वो देख लीजिए और आंकड़ा हम लगातार आपको विस्तार न्यूज की स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। पहले देखिए कौन क्या कह रहा है एग्जिट पोल के आंकड़ों पर। शत्रुमुख वृत्ति से कभी किसी का फायदा नहीं होता। आज 2 तारीख है, 4 तारीख को जो परिणाम निकलेंगे, एग्जिट पोलों का पूरा बदनाम होगा। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। उनका फिल्म फर्स्ट फेज में फ्लॉप हो गया 400 का। मोदी की जो नीतियाँ हैं उसी की जीत होगी। हमने कभी भी एग्जिट पोल शो नहीं किया। पूरी सीट 11 की 11 देखी रहे कि 4 तारीख को इनकी सरकार नहीं बन रही है। नहीं नहीं, 295 आ रहा है तो जाके सरकार बनाए ना, हम लोग से क्यों पूछ रहे हैं। भारत देश की जनता के मन में सुनामी चल रही है 4 जून, और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख, ये जमीन आसमान का फर्क है। विपक्ष अभी ये काम ये सोच रही है कि भाजपा का 400 पार नहीं करना चाहिए। दिव्यांगों पे उनको भी विश्वास नहीं है, मुंगेरी लाल के सपने हैं ये उनको भी पता है। भाजपा आज भी इस बात पर कायम है। देखिए अब की बार 400 पार का जो नारा दिए थे वो नारा सफल होगा, और फिर इस बार मोदी सरकार। अब सरकार किसकी बनेगी वो सरकार सामने बन जाए उसके बाद देखा जाएगा। जो पैसा बिल्कुल तमाशा देखिए, जो आंकड़ा इसका आप निकाल सकते। ये सब जरूरी है आपको सुनाना, क्योंकि आप जब वोट देते हैं तभी ये जो बड़ी बड़ी लफाजी हो रही है, बड़ी बड़ी जो बातचीत हो रही है, मैं इसलिए आपकी भाषा में कह रहा हूं कि ये जो बड़े बड़े बयान आते हैं ना कि बस 4 तारीख का इंतजार कीजिए, 4 तारीख का इंतजार कीजिए, फिर 4 तारीख को जो हम ये बयान चलाते हैं तो बड़ी मौज होती है। बताइए क्या कह रहे थे, अब कह रहे हैं नहीं नहीं ये सब EVM फर्जी है। कैसे बदलते हैं सियासतदान और कैसे राजनीति का चरित्र होता है, ये सब आपको देखना समझना बहुत जरूरी है। इसलिए इतने सारे नेताओं के बयान आपको सुना रहे थे और ये विस्तार से बता रहे थे। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी पोल है। संजय राउत कह रहे हैं पैसा फेंको तमाशा देखो। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 4 जून को सरकार नहीं बनाएगी बीजेपी। लेकिन 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 बीजेपी एग्जिट पोल के बाद और अकड़ से बोलने लगी है, थोड़ी अकड़ के बोल रही है कि नहीं अब की बार 400 पार। चलिए सबसे पहले पोल आपको दिखा देते हैं और बड़ी स्क्रीन पर आपको समझा देते हैं कि इन आंकड़ों के बाद क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता थोड़ी सी चौड़ में आ गए हैं और उनको यह लगता है कि नहीं भाई, इस बार भी तीसरे टर्न में भी मोदी जी की वापसी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कल भी मैंने आपको विस्तार से दिखाया था, आज भी दिखा लीजिए, आप आज भी दिखा दीजिए, क्योंकि रिपब्लिक भारत ये पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का जो इवेंट था वो भी बताना जरूरी था, लेकिन अभी आप ये जानना चाहते हैं इसलिए ये भी आपको समझा देता हूं। रिपब्लिक भारत NDA को 353 से 368 सीट दे रहा है, इंडिया गठबंधन को 110 से 113 और अन्य को 43 से 48 सीट मिल रही है। ये रिपब्लिक भारत का आंकड़ा है, जन की बात है, जनता की बात हम आप हमेशा करते हैं लेकिन जन की बात का सर्वे क्या कह रहा है वो भी बता देता हूं। 362 इससे थोड़ा आंकड़ा बढ़ा है, 362 से 392 एनडीए गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को 141 से 161 सीट, तो वहीं अन्य को 10 से 20 सीट जन की बात का सर्वे दे रहा है। इंडिया न्यूज का आंकड़ा क्या कह रहा है, 371, ये बीच का कुछ आंकड़ा नहीं है, 371 इन्होंने बता दिया है कि 371 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 125 इंडिया गठबंधन को और 47 अन्य को। रिपब्लिक टीवी पर आ जाइए, 359 सीट एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन को 154 और अन्य को 30 सीट रिपब्लिक टीवी दे रहा है। न्यूज नेशन ने कहा है कि 360 सीट मिल सकती है एनडीए गठबंधन को, जबकि 161 इंडिया गठबंधन को और 22 अन्य को मिल सकती है, लेकिन औसत इन सब का निकाल दिया जाए तो 367 सीट, जो कि
बहुत बड़ा आंकड़ा है। 400 की बात भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के नेता कर रहे थे, लेकिन अगर इन सब का औसत मिला दिया जाए तो 367 सीट एनडीए गठबंधन यानी 350 पार एनडीए और इंडिया गठबंधन 140 और 36 सीट अन्य को मिल रही है। यानी आप समझ रहे हैं, ये नतीजे बता रहे हैं जनता ने मजबूत सरकार पर भरोसा किया है। लेकिन ये नतीजे नहीं है, ये एग्जिट पोल के नतीजे, एग्जिट पोल का आंकड़ा है, गठबंधन की सरकार पर नहीं। चलिए इसके पीछे के मायने भी समझाते हैं। किस पार्टी ने 46 दिन चले चुनाव में कितनी मेहनत की है, क्योंकि नतीजे जो एग्जिट पोल का जो आंकड़ा आया है वो तो ये बता रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन इसके पीछे मेहनत क्या है ये भी वॉल पर डालिए और मैं आपको बता देता हूं कि किसने कितनी रैली की, जिसकी वजह से ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं उसको इसका नतीजा, इसके परिणाम मिल रहे हैं। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं एनडीए से। एनडीए देखिए 833 का आंकड़ा है रैली, रोड शो और इवेंट का, मतलब 833 एनडीए के लोगों ने किया है और इंडिया गठबंधन ने 647 रोड शो रैली इवेंट किया है। और इसके पीछे की मेहनत, ये जो आंकड़ा आ रहा है एग्जिट पोल का, ये बताना इसलिए जरूरी है कि चुनाव 4 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो क्यों इनके पक्ष में आ रहे हैं, इसके पीछे इन्होंने क्या क्या मेहनत की है ये समझ लीजिए आप। प्रधानमंत्री मोदी जो कि आप देख रहे हैं कि एक दिन में 3-3 सभाएं कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, रैली कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 206 रैली रोड शो इवेंट किया है। अमित शाह देख लीजिए, अभी हम एनडीए की बात कर लेते हैं, अमित शाह ने 188 रोड शो रैली किया है, जनसभा को संबोधित किया है। राजनाथ सिंह 101, जेपी नड्डा 134 और योगी आदित्यनाथ जो कि फायर ब्रांड नेता है बीजेपी के, 204 रैली रोड शो और इवेंट इन्होंने किया है। अब आपको मैं बताता हूं इंडिया गठबंधन के बारे में बता देता हूं। राहुल गांधी 107 रैली रोड शो और इवेंट किया है राहुल गांधी ने। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के 100 इन्होंने किया है रैली रोड शो इवेंट। और प्रियंका गांधी, मैंने आपसे कल भी कहा था कि 206 ये इन्होंने अकेले किया है और प्रियंका गांधी ने 108, अगर दोनों आंकड़ा मिला देंगे तो 200 पार जाएगा, मतलब 215। और तेजस्वी यादव 251, तेजस्वी यादव को याद होगा आपको, बीच में उन्हें थोड़ी चोट लग गई थी, चोटिल हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी व्हील चेयर में वो जाकर रैली को संबोधित कर रहे थे। और अखिलेश यादव ने 81 रैली रोड शो इवेंट किया है। और ये वो मेहनत है जिसको करके ये जो परिणाम आए हैं वो हासिल कर रहे हैं। ये तो बात हुई देश की, अब हम आपको मध्य प्रदेश के आंकड़े भी दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश का आंकड़ा क्या है यह भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का आंकड़ा आपके लिए जानना जरूरी है। क्या दिया है इंडिया टीवी ने, 28 से 29 सीट इंडिया टीवी ने बीजेपी को दिया है, एक सीट कांग्रेस के खाते में यहां जा रही है एग्जिट पोल के आंकड़े में। एबीपी और सी वोटर क्या कह रही है, 26 से 28 और 1 से 3 सीट कांग्रेस को और 26 से 28 सीट एबीपी सी वोटर ने दिया है बीजेपी को। और इंडिया टुडे के सर्वे में, इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में 28 से 29 सीट बीजेपी और एक सीट कांग्रेस को मिली है, एक सीट कांग्रेस को मिली है। चलिए 2024 का जो चुनाव है वो किन मुद्दों पर लड़ा गया है यह भी मैं आपको बता देता हूं। ये 2024 के चुनावी मुद्दे हैं। अरविंद केजरीवाल को दिखाना बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो आए 21 दिन रहे, खूब प्रचार किया, हमलावर रहे और फिर वापस जेल चले गए, लेकिन ये दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि आप ये समझ पाए कि कल से लेकर आज तक जिस पर चर्चा हो रही है, पहले मैंने आपको आंकड़ा दिखाया, अब मैं आपको मुद्दे बता देता हूं, रैली बताई, सभा बताई कि आखिर 2024 लोकसभा चुनाव में किस तरह से पार्टी मेहनत कर रही थी। ये देखिए, ये एनडीए का है, मैं बता रहा हूं कि इनके मुद्दे क्या थे। मोदी की गारंटी जो सबसे बड़ी ताकत बनी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की, मंगल सूत्र को लेकर विवाद आपको याद होगा, मुस्लिम आरक्षण को लेकर लालू प्रसाद यादव ने बोला था, उसके बाद पूरे देश में घमासान मच गया था, ये आपको याद होगा, संपत्ति बंटवारा
को लेकर बहुत सियासत हुई। राम मंदिर, उन्होंने कहा संपत्ति बंटवारा, ये आएंगे तो संपत्ति आपकी ले लेंगे, छीन लेंगे, इसको लेकर तरह तरह की सियासत हुई राम मंदिर और पीओके। इधर इंडिया गठबंधन ने क्या कहा, महंगाई और बेरोजगारी। कल भी मैंने आपसे कहा था, आज भी कह रहा हूं कि मोदी की गारंटी जैसे शब्द का काउंटर महंगाई बेरोजगारी नहीं कर पाए। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक अगर मैं विश्लेषण करूं तो बाकी 4 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद बात करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड, ये बहुत बड़ा मुद्दा था लेकिन इसको मुद्दा नहीं बना पाया विपक्ष। कहते रहे कि ये देखिए बीजेपी ने चंदा लिया, बीजेपी ने चंदा लिया, लेकिन जैसे ही अमित शाह ने पूरा आंकड़ा दिया और आंकड़ा बता के तथ्य सामने रखा, वैसे इंडिया गठबंधन इसको भी बहुत अच्छे तरीके से जनता के बीच नहीं ले जा पाई। इसके अलावा संविधान, लाल डायरी लेकर लहराते रहे राहुल गांधी, पूंजीपति की बात करते रहे, अडानी अंबानी का जिक्र हुआ इस चुनाव में, जाति, ईडी, सीबीआई और ईडी और सीबीआई को लेकर भी बात होती रही और ये कहा जाता रहा कि ईडी और सीबीआई के सहारे चुनाव जीत रही है बीजेपी।